गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C करेंगे। 7th क्लास में हमने 2B एक्सरसाइज तक कर लिया है, आज हम 2C एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम में क्लास 7th के मैथ में अभ्यास नंबर 2C। देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया हुआ है कि सवाल दिया हुआ है 12 × 12 × 12 × 12 × 12 × 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 12 कितनी बार है? 6 बार है। तो हम क्या करेंगे, 12 की घात क्या लिख देंगे भाई, इसको 6 लिख देंगे, क्योंकि 12 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार है, यानी कि 12 की पावर कितनी हो गई, ये 6 हो गई। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल दिया हुआ है 15625 को आधार 5 पे, आधार 25 पे और आधार 125 पे घाती संकेतन में व्यक्त करिए। तो सबसे पहले हम 156, 25 इसके फैक्टर कर लेंगे, 5 से काट देंगे। देखो तो शुरू के 15 आए, 5 × 3 = 15 बचा 1, 5 × 3 = 15 6 आ गया, 5 × 5 बचा 1 हो गया, 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 ठीक है। फिर 5 से काट दिया, 5 × 6 = 30 1 बचा हो गया 12, 5 × 2 = 10 2 बचे होगा 25, 5 × 5 = 25 फिर 5 से काट दिया, 5 × 5 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 फिर 5 से काट दिया, 5 × 2 = 10 5 × 5 = 25 फिर 5 से काट दिया, 5 × 5 अब 5 की देखो 5 की पावर कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हम इसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 × 5 6 बार। तो अगर हम 5 की पावर में देखेंगे तो ये 5 की घात 6 है, अगर 5 आधार लिया हमने तो घातें कितनी आ रही है इसकी, 6। अगर हम इसका आधार कितना ले लें, 25 लें तो क्या होगा, देखो 5 × 5 = 25 1 × 25 ये बन रहा है, 5 × 25 1 × 25 ये बन रहा है, 5 × 25 1 × 25 यानी कि 1 × 25 ये, 1 × 25 ये और 1 × 25 ये। तो हम इसको 25 × 25 × 25 भी लिख सकते हैं, और 25 में ये कितना आ रहा है, 25 की घात यानी कि 25³। और अगर हम 125 लें तो देखो 5 × 25 25 × 125 125 का 1, 5 × 25 25 × 125 125 कितने हो रहा है, 2, यानी कि इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 125 × 125 और 125 × 125 क्या हो गया, 125 की घात 2। तो 125 पे जो आपका आधार आया वो कितना आया, 125 5 पे जो आधार आया, 5 पे तो आया 5 की घात 6 ठीक है, और 25 पाया 25 की घात 3 और 125 पाया 125 की घात 2 ठीक है। क्या क्या आया, 5 की घात 6 5 की घात 5 का ये 5, यहाँ पर आधार क्या है, 5 है, तो आधार 5 पे 5 की घात 6 आ गया और आधार 25 पे कितना आया, 25 की घात 3 और आधार 125 पे आया 125 की घात 2 ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका 0.0001 को आधार 0.1, इसका आधार लेना है आपको, 0.01 का आधार लेना है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम 0.01 लें तो कितनी बार आएगा, 2 ही बार आएगा, क्योंकि 1 × 1 = 1 और 1, 2, 3, 4 के बाद इसमें लग रहा है। तो यानी कि 0.0001 को हम 0.01 × 0.01 लिख सकते हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका 0.010 का स्क्वायर ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 −343 −343 / 512 / 5.2 को आधार यानी के बेस −7/8 पर घात के रूप में लिखिए। व्यक्त करिए कैसे करेंगे, देखिए 343 को हमने क्या कर लिया, 7 से काट दिया, 7 × 7 = 49 3 × 7 = 28
बचे कितने आपके, होगा 6, होगा 63, 7 में 63 फिर 7 से काट दे, 7 सत्ते 49, 7 की पावर कितना आ रहा है 3, तो ऊपर माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 आ जाएगा, और नीचे जो है वो कितना है 512, 512 कर लेंगे हम फैक्टर, तो 512 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करा, तो ये आ गया आपका 64, फिर 2 से करा, ये आ गया 32, फिर 2 से करा, तो ये आ गया 16, फिर 2 से करा, तो ये आया आपका 8, फिर 2 से करा, तो ये आया 4, फिर 2 से करा, तो आया 2, फिर 2 से करा, तो आया 1। अब क्योंकि ऊपर 7 की 3 की घात है, मतलब 7 3 बार है, तो नीचे भी हमें ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 3 हो, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 8 ले लिया। देखो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी कि 8 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और वैसे भी हमें पता है 512 जो है वो 8 का क्यूब है, ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं हम माइनस 7 बटे 8 इसकी घात 3, सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1000 बटे 1331 को हमें रिप्रेजेंट करना है 10/11 के फिर के घातीय संकेतन पे, घातीय संकेतन यानी कि 10 और 11 में लेके आना है इसे, तो हमें पता है ये 1000 जो है अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसे तो ये 100 आएगा, फिर 10 से करेंगे तो फिर 10 आएगा, फिर 10 से करेंगे तो 1, यानी कि ऊपर वाले को हम 10 × 10 × 10 लिख सकते हैं, तो नीचे वाला भी 11 × 11 × 11 आ सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये 10^11 की पावर 3, ठीक है, यानी कि 10/11 की घात 3 के रूप में आ गया ये। अब छठा अगला क्वेश्चन है हमारा 1024/1089 को हमें वर्ग रूप में लिखना है, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम 1024 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, वो इसको वर्ग गुणनखंड कर लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4, ये 1 बचा इधर को, 2 2 ज़ा 4 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से कर दिया 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 8 ज़ा, फिर 2 से कर दिया 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, फिर 2 से कर दिया 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, फिर 2 से कर दिया 16, फिर 2 से कर दिया 8, फिर 2 से कर दिया 4, फिर 2 से कर दिया 2, फिर 2 से कर दिया 1। अब हमने क्योंकि इसको वर्ग के रूप में डाला, दो दो को ले लिया, हमने पेयर बना लिया 1 2 3 4 5, तो ऊपर कितना आ गया, ये 2 का 1 लिख लिया हमने, 1 फिर इसका लिखा 1 2, फिर 1 इसका लिखा 3, फिर इसका लिखा 4, फिर इसका लिखा 5, और नीचे वाले का 1089 का निकाल लेंगे। आप 1089 का कैसे करेंगे, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से कर दिया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अभी 11 से कट जाएगा, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, फिर 11 से करा, ये आ गया, यानी कि ऊपर तो आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे भी हमने एक पेयर का एक ही लेंगे यहाँ पर भी, तो एक आया 3 और एक आया 11, अब ऊपर वाले और पूरे का कर दिया क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है ना सब में, तो ऊपर हमने वर्ग लगा दिया, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ऊपर आ गया 32 और नीचे 11 3 33 इसका स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 4 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये था आपका 6, ठीक है। अब हम देखते हैं 7, 7 में क्या है, 512 और 729, इसको घर रूप में लिखना है, तो आप देख लो 512 यहाँ से, आप देखिए यहाँ से आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी पावर आ रही है ऊपर, 1 2 3, यहाँ से देख लो आप 512 से देख लो इसका, 512 से यहाँ से बस 10 छोड़ दो, बाकी 1 छोड़ दो, बाकी ये सब पूरा वही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा 9 आ रहा है, तो हम इसको 9 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और नीचे रह गया 729, 729 के हम कर देंगे, देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6
एक बचा 3 चौक 12, 3 3 2, फिर 3 से काट देंगे, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काट देंगे, फिर 3 से काट देंगे, वो सॉरी 27, 3 से काट देंगे, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, तो 1 2 3 4 5 6, नीचे भी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 4 5 6, क्योंकि इसे घन रूप में लिखना है हमें, हमसे पूछा गया इन्हें घन रूप में लिखिए, तो घन रूप में लिखना है, इसका मतलब हमें 3 3 का 1 लेना है, 1 ये ले लिया हमने, 1 ये ले लिया, 1 ये ले लिया, यानी कि ऊपर कितना आया, 2, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 2 आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और नीचे ये 3 3 का 1 लेना है, तो 1 3 ले लिया, 1 ये 3 ले लिया, और इसके ऊपर क्या लगा दी, पावर 3, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और नीचे 3 3 9, इसकी पावर कितनी लिख दी हमने, 3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 512 जो है वो 8 का घनमूल है, और 729 जो है वो 9 का घनमूल है, ठीक है, याद रखिएगा आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह बहुविकल्पी है, इसमें दिया हुआ है, पूछा है कि 0.00001 2 3 4 5, 5 0 है, 1 2 3 4 5 और 1 1 है, इसका वर्ग रूप होगा, इसका वर्ग रूप होगा, इसका वर्ग रूप क्या होगा भाई, इसका वर्ग रूप होगा यानी कि इसका 2 2 कम कर लो, इसके 2 2 का पेयर बना लो, 1 1 0 आएगा, और फिर 1 0 इसका आ जाएगा, 1 वर्ग बना लिया हमने, 2 0 का 1 0 ले लिया, इन 2 0 का 1 0 ले लिया, और 2 2 का 1 ले लिया, तो इसका वर्ग रूप जो आएगा वो 0.0001 होगा, तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आपका, अच्छा इसमें 8 दिया ही नहीं, 9 8 पता ही नहीं, 9 10 11 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 0.05 इसकी पावर कितनी पूछी है, इन्हें 3 पूछी, क्या क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 3 बार, 0.05, 0.05 और 0.05, तो आप देखिए 5 5 25 25 5 125, 125 तो ये आ गया, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद है, 1 2 3 4 5 6, तो हम पॉइंट कहाँ लगा देंगे, 6 के बाद, तो ये आ जाएगा 0.000125, तो 0.00125 यानी कि इसका विकल्प कौन सा सही है, 4th सही है, इससे पहले वाले का कौन सा सही था, हमारा 2nd सही था। अब हम देखते हैं 11, 64/125 का घन रूप क्या होगा, तो ये भी आप देख लिए, 64 आप यहाँ देखिए, 64 ये आ गया आपका, 64 निकाल लेते हैं, 64 का चलिए दोबारा से, 64 का हमने करा 2 से, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से करा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर 2 से करा 8 ज़ा, फिर 2 से करा 4 ज़ा, फिर 2 से करा 2 ज़ा, फिर 2 से करा 1 ज़ा, तो हमें क्या निकालना है, घन रूप निकालना है इसका, 3 1 ले लिए, 3 1 ले लिए, तो ऊपर तो आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, और 125 का लिखना आना है हमें, 5 से काट देंगे, 5 25, फिर 5 से काटा 5, फिर 5 से काटा, तो 3 का 5 का 1 3 का 1 ले लिया, और इस पर क्या लगा दी हमने, 64 का हमने ले लिया 2 मल्टीप्लाई 2, और 125 का ले लिया 5, और इसके आगे लगा दी हमने पावर 3, कितना गया 4/5, इसकी पावर 3 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। इसी के साथ ये अभ्यास ख़त्म हुई, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है।